साहित्य जगत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित ऐच्छिक हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय में संकलित पाठों पर आधारित श्रृंखला साहित्य जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग में कहानी नाटक और समालोचना कहानी ये युग कहानियों का भी प्रारंभिक दौर है। इन कहानियों पर घटना वैचित्र का प्रभाव है। ये अवश्य है कि हिंदी कहानी उपन्यास की अपेक्षा भाव व्यंजकता की ओर प्रारंभ से ही झुकी है। हिंदी कहानियों के दर्शन पहले पहले सरस्वती में हुए। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने 1900 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली को हिंदी की प्रारंभिक कहानियां माना है। इंदुमती और गुलबहार के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शेष कहानियों के लेखक हैं प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली बंग महिला यानी श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, 11 वर्ष का समय अतीत की स्मृति की मार्मिक व्यंजना करती है। बाकी कहानियों में चमत्कारिकता की प्रधानता है। ये काल लेखकों के एक बारगी कहानी लेखन की ओर झुक पड़ने का काल है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि ने इसी समय कहानियां लिखना प्रारंभ किया। प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। कौशिक की सामाजिक पारिवारिक कहानी रक्षाबंधन 1913 में छपी। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी कानों में कंगना 1913 में और हास्य रस के कहानी लेखक जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी 1919 ईस्वी में छपी। हिंदी कहानी सामाजिकता पारिवारिकता की व्यापक भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो रही थी। हिंदी कहानी के इस दौर की उपलब्धि हिंदी के प्रकांड विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। उसने कहा था 1915 ईस्वी की सरस्वती में प्रकाशित हुई। ये कहानी भाव और कला दोनों ही दृष्टियों से उत्तम है। सामान्य व्यक्ति भी अपने भीतर प्रेम का अक्षय स्रोत किस प्रकार दबाए रहता है, एक मामूली सी घटना व्यक्ति के अंतर मन में फैलकर उसके जीवन को किस निर्णायक बिंदु पर ले जा सकती है, प्रेम की सात्विकता मनुष्य को कितनी उच्च भूमि पर ले जा सकती है, ये सब इस कहानी में व्यक्त है। इसमें घटना सहज ऋजु मार्ग पर नहीं चलती, वह वक्र मार्ग पर चलती है, यानी घटनाक्रम काल क्रम पर नहीं
मनोभूमि के अनुसार व्यवस्थित है। शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा। यह आकस्मिक नहीं कि प्रेमचंद की कहानियां लगभग इसी समय प्रकाशित होने लगी। नाटक। भारतेंदु के उपरांत कुछ समय के लिए हिंदी में मौलिक नाटकों का अभाव रहा, किंतु इस बीच विभिन्न भाषाओं से नाटकों का अनुवाद अवश्य बड़े पैमाने पर हुआ। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुए। शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट, मैकबेथ और हैमलेट का अनुवाद हुआ। संस्कृत के नाटक मृच्छकटिकम, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्नि मित्र का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम बीए ने किया। इसी दौर में सत्यनारायण कविरत्न ने उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया। मौलिक नाटककारों में किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, शिवनंदन सहाय, राय देवी प्रसाद पूर्ण का नाम लिया जा सकता है, पर ये लोग साहित्य में अपने नाटकों के लिए नहीं बल्कि अन्य विधा की रचनाओं के लिए विख्यात हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के नाटकों में उल्लेखनीय नाम चौपट चपेट, मयंक मंजरी आदि हैं। प्रथम प्रहसन है और दूसरा अति सामान्य कोटि का नाटक है। हरिऔध ने रुक्मिणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। शिवनंदन सहाय के नाटक का नाम सुदामा है। पूर्ण जी ने चंद्रकला भानु कुमार नाटक लिखा। समालोचना। भारतेंदु काल में पुस्तक समीक्षा का सूत्रपात हो चुका था। भारतेंदु ने नाटक पर जो निबंध लिखा है उसे समालोचना के अंतर्गत मानना चाहिए। किसी एक ही रचनाकार के गुण दोष दिखाने के लिए हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना है। इस युग की हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक महत्व आधुनिक और रीतिवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व में है। इस युग के सभी आलोचकों को पूरी तरह से रीतिवादी या आधुनिक श्रेणी में रख देना भी उचित नहीं। मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र 1873 से 1947 ईस्वी, सुखदेव बिहारी मिश्र 1878 से 1951 ईस्वी रीतिकालीन साहित्य के जानकार थे। उन्होंने हिंदी नवरत्न में देव को ऊंचा स्थान दिया और उन्हें सूर तुलसी के समकक्ष रखा। यह उनकी रीतिवादिता का पता देता है। लेकिन मिश्र बंधुओं ने श्रीधर पाठक की खड़ी बोली कविताओं का स्वागत भी किया। इसका अर्थ ये हुआ कि मिश्र बंधु सर्वत्र न तो रीतिवादी थे न ही आधुनिकतावादी। इस प्रकार का द्वंद्व अलग अलग व्यक्तियों में ही नहीं कभी कभी एक ही व्यक्ति के अंदर भी चल रहा था। रीति विरोधी आलोचना नए ज्ञान विज्ञान के आलोक में विकसित नए जीवन मूल्यों के मानदंड पर साहित्य को तौलती थी, जबकि रीतिवादी आलोचना नायिका भेद अलंकार आदि की दृष्टि से साहित्य की परीक्षा करती थी। जहां विरोध इस द्वंद्व पर नहीं होता था वहां आलोचना का विकास नहीं दिखलाई पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र सहृदय थे किंतु उनके आलोचना मूल्य रीतिवादी ही थे। उन्होंने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया। इसके उत्तर में
लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। देव और बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों में पद्म सिंह शर्मा भी थे। शर्मा जी संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, फारसी और उर्दू साहित्य के मर्मज्ञ थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 ईस्वी ने अपनी आलोचना से हिंदी रचनाकारों को कथ्य और रूप के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने साहित्य, विशेषतः कविता के महत्व की पुनः स्थापना करने का प्रयास किया। उन्होंने कविता को केवल विलास की सामग्री नहीं माना, काव्य के रूप पक्ष के विषय में भी वे काफी आधुनिक थे। उन्होंने लिखा, गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। उन्होंने तुक और अनुप्रास को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी ने लेखन इसी काल में प्रारंभ किया था। उनका साहित्य नामक निबंध 1904 ईस्वी की सरस्वती में छपा था, किंतु उनके निबंध संकलन और आलोचनात्मक ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुए। आधुनिक काल में द्विवेदी युग में कहानी, नाटक और समालोचना। साहित्य जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन डॉक्टर संध्या सिंह, डॉक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचंद राम। आलेख विश्वनाथ त्रिपाठी। वाचन स्वर अरुण सिन्हा और राजश्री त्रिवेदी। कार्यकारी निर्माण प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।